नमस्कार, एलएमएस किड्स एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं एमडी मुन्ना। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे हम पावर पॉइंट में बेसिक फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहां लैपटॉप में ऑलरेडी पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है और मैं अभी सबसे पहले एक इमेज को यहाँ पर लाता हूँ। तो यहाँ से मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और यह डेस्कटॉप में मैंने इमेज रखा हुआ है, इसे राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद पावर पॉइंट पर आता हूँ और यहाँ पर होम के अंदर पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो फोटो जो है यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर ये इमेज दिख रही है आपको। अब इस पर हमें फ़ोटो एडिटिंग करनी है। तो बेसिक फ़ोटो एडिटिंग क्या होता है, कलर करेक्शन वगैरह करना। तो यहाँ पर आप देखिए कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे इस फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और ये फॉर्मेट का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपने बाहर क्लिक किया होगा तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो ध्यान दें कि अगर ये फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है तो फ़ोटो पे क्लिक करना है। फ़ोटो सेलेक्ट हो गई और यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा। फॉर्मेट का ऑप्शन दिखने के बाद जो है आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ रीकलर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर ग्रे स्केल का ऑप्शन देखें तो ये फ़ोटो जो है ब्लैक एंड वाइट हो गई। और यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं जिस पे हम कलर्स का अलग अलग वेरिएशन देख सकते हैं कि किस तरह से कलर चेंज हो रहा है। तो जो भी हमें लगे कि हाँ ये सूटेबल है हमारे पिक्चर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हम उस पर क्लिक करके इसको छोड़ सकते हैं। और अगर करेक्शंस के अंदर यहाँ पर चेक करें तो करेक्शंस के अंदर भी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का वक्त दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा इस तरह से धीरे धीरे हाई हो रहा है। और यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट भी दिया हुआ है कि अगर आपको पेंटिंग टाइप का कुछ इफेक्ट बनाना है अपने फ़ोटो को तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाए अगर हम राइट साइड में पिक्चर स्टाइल्स के अंदर देखें तो यहाँ पे कुछ फ्रेम टाइप के ऑप्शंस दिए हुए हैं, अलग अलग स्टाइल हैं। लाइक यहाँ पर हमने इस तरह से ओवल में अपने फ़ोटो को फ्रेम कर दिया है, यहाँ स्क्वायर में एक अलग तरह का फ्रेम का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा मोटा है ये बॉर्डर। यहाँ पर अगर हम एरो पे क्लिक करें और नीचे यहाँ पर आए यहाँ पिक्चर स्टाइल्स में, यहाँ पे बहुत तरह तरह के स्टाइल दिए हुए हैं। जिस पर भी हम सेलेक्ट करेंगे हमारी फ़ोटो जो है उस तरह का स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ अगर हम पिक्चर बॉर्डर में क्लिक करें तो बॉर्डर में भी हमारे पास बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप वेट पे आ जाएं, वेट में आने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पर बॉर्डर लाइन जो होती है तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये मोटी हो जाएगी। तो ये अभी हमने स्टाइल चेंज किया हुआ है इसलिए शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो फिलहाल मैं फ़ोटो को जो है पहले नॉर्मल कर देता हूँ। रीसेट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो जो है जैसे ओरिजिनल थी उस तरह से हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप को दिखाता हूँ मैं पिक्चर बॉर्डर कैसे काम करता है। पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, वेट पे आते हैं। वेट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए लाइंस दी हुई है, मतलब जो भी फ़ोटो होगा उसका जो बॉर्डर है उसको मोटा करने के लिए दिया हुआ है। इसको हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर में फ़ोटो के जितने भी बॉर्डर एरिया हैं वो थोड़े से मोटे हो गए। और आप इस बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम जो भी कलर लेंगे उससे इस फ़ोटो का बॉर्डर का कलर हो जाएगा। सपोज़ हमने यहाँ पे अभी ये लाइट ब्लू कलर लिया है, तो यहाँ आप फ़ोटो के बॉर्डर पे देखिए इसका भी कलर जो है लाइट ब्लू हो गया है। पिक्चर इफेक्ट्स में अगर आप जाएँ तो यहाँ पर शेडो के ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी हमारी फ़ोटो बहुत बढ़िया है तो इतना शायद आपको ध्यान ना दे। अगर हम यहाँ पर शेडो पर क्लिक करें तो आप देखिए ये राइट साइड में यहाँ पे कॉर्नर में शेडो भी दिख रहा है। अगर आप फोटो को क्रॉप करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है पावर पॉइंट के अंदर। यहाँ पे क्रॉप का बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करिए क्रॉप पे। और यहाँ देखिए आप चारों साइड जो है आपको इस तरह से पॉइंटर्स बन जाएंगे ब्लैक कलर में। आप इनको सेलेक्ट करके, आप इनको क्लिक करके किसी भी तरह से जिस तरह से आपको क्रॉप करना है फ़ोटो, जितनी इमेज चाहिए उस पूरे इमेज से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ हमने इतना एरिया बना दिया कि हमें इस पूरे फ़ोटो में से सिर्फ इतना ही एरिया अपने लिए चाहिए, तो हमने इतना सेलेक्ट करने के बाद जो है हम इसको क्रॉप पे क्लिक करेंगे वापस, और इस तरह से हमें ये फ़ोटो क्रॉप होकर मिल गई। अब हम इस फ़ोटो को जो है जैसे मूव करना चाहिए यहाँ पे मूव कर सकते हैं। जब आप फाइल साइज वगैरह चेंज कर ले, आप पूरी फ़ोटो कन्वर्ट कर ले अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको एडिटिंग करनी हो वो कर लेने के बाद आप फ़ोटो सेव करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर फाइल टैब में आके सेव एज़ पे क्लिक करना है। और सेव एज़ पे आने के बाद यहाँ ब्राउज़ पे जब जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए सेव एज़ टाइप लिखा होगा। सेव एज़ टाइप पे आपको यहाँ पर जेपीईजी, पीएनजी, बीएमपी, इस तरह के टिफ जो भी
फोटो के फॉर्मेट होते हैं वो यहाँ ऑप्शन मिलेंगे। जेपीजी में सेव करना है आपको तो सिंपली आप जेपीजी पे क्लिक कीजिए और इस तरह से फाइल का नाम जो है जेपीजी में आ जाएगा। आपको जो भी फाइल का नाम देना हो आप वो दे सकते हैं और उसके बाद जो है आप उसको जहाँ चाहे आप उसको सेव कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे मैं फिलहाल आपको सेव करके दिखाता हूँ कि वो फ़ोटो जेपीजी में सेव हो रही है या नहीं हो रही। और हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब इस तरह के जब ऑप्शन आए कि हाँ ऑल स्लाइड्स करना है या जस्ट दिस वन करना है, तो अगर सिर्फ हमारे स्लाइड्स में सिर्फ एक ही स्लाइड थी जिसमें हमने फ़ोटो को एडिट किया है तो सिर्फ जस्ट दिस वन करेंगे। अगर बहुत सारे स्लाइड्स थे सभी पे हमने चेंजेस किए हैं तो हम ऑल स्लाइड करेंगे। अदरवाइज आप सिर्फ जस्ट दिस वन करिए ताकि जिस फोटो पे आप काम कर रहे थे सिर्फ वही सेव हो। तो जस्ट दिस वन करते हैं इस केस में भी। और यहाँ से हम फोटो को चाहे तो यहाँ से फाइल को हम डोंट सेव करके क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए फ़ोटो जो है जेपीजी फॉर्मेट में आ गई। इसको फोटो के सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं। ये देखिए जितनी फ़ोटो हमने साइज़ के अकॉर्डिंग बनाई थी सेव की थी फ़ोटो जो है यहाँ पर आ गई। तो आज की अब वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के थ्रू शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलती रहें। और आपका आज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।